to my channel Healing with Hina. So continuing with the rubric hunting series, now we are doing rubric hunting from Kant's repertory, the vertigo chapter, and we have finished till alphabet D, and today we will be discussing next rubric with vertigo chapter. So before starting, if you are liking my content and if you are someone new to my channel, please do consider subscribing. It means a lot. It gives motivation to do more. And please do comment down below how you like this video. Thank you. So let's get started. So next rubric for vertigo is eating. So there are three things given. So vertigo, eating while, eating after, and eating ameliorate. Okay. So when vertigo is there, when the patient is eating, that is eating while. When the vertigo is after eating, he has finished eating, and if he is having vertigo, then eating after. And if he is already having vertigo and after eating something he is feeling better, then the rubric will be vertigo eating ameliorate. Okay. Then elevated as if. Elevated is uthna, ucha hona. तो जब भी पेशेंट को चक्कर आएंगे ऐसा फील होता है, ही इज बीइंग एलिवेटेड. ओके, उठा है वो ऐसे. और एलिवेटेड सब रूब्रिक्स आर गिवन एज एलिवेटेड एज इफ इन इवनिंग एंड एलिवेटेड ईटिंग आफ्टर. खाने के बाद अगर उसको ऐसा फील हो रहा है कि वो उठा है या फिर चक्कर में ऐसा लगता है उसको कि वो ऊपर उठ रहा है, तो देन एलिवेटेड एज इफ ईटिंग आफ्टर. एंड ओनली वन मेडिसिन इज गिवन, दैट इज एलोसोकोट्रिना. एंड एलिवेटेड एज इफ इवनिंग, only one medicine is given, that is phosphorus. So all the medicines which are single medicines given against any rubric, you need to remember them really well. Okay, so mark them and remember them. Next rubric is vertigo immediate after. Okay, whenever patient is having immediate and after that he is feeling vertigo, then the rubric is immediate after. Now vertigo is epilepsy before, vertigo epilepsy before. Okay, and next rubric is epileptic, vertigo epileptic. Now what is the difference between these two, epilepsy before and epileptic? So epileptic ka meaning hota hai jab epilepsy hogi us time pe patient ko epilepsy ka episode hi vertigo se agar shuru ho raha hai, so then the rubric is vertigo epileptic. Aur अगर पेशेंट को एपिलेप्सी बिफोर यानी कि एपिलेप्सी यानी सीजर का एपिसोड होने से पहले चक्कर आ रहे, अब पहले का मतलब इमीडिएटली पहले ना भी हो सकता है, एक दिन पहले भी हो सकता है, तो एपिलेप्सी के कुछ टाइम पहले अगर पेशेंट को चक्कर आ रहे हैं तो देन द रूब्रिक विल बी वर्टिगो एपिलेप्सी बिफोर. और अगर पेशेंट को चक्कर आ रहे हैं और इमीडिएटली तुरंत ही एपिलेप्सी शुरू हो जा रही है, यानी कि जो सीजर या एपिलेप्सी का एपिसोड है वो वर्टिगो से ही शुरू हो रहा है, तो देन यू कैन टेक द रूब्रिक वर्टिगो एपिलेप्टिक. ओके, दिस इज द माइनर डिफरेंस, नीड टू रिमेंबर इट वेल. ओके, नेक्स्ट इज वर्टिगो इरेक्शंस ड्यूरिंग. ओके, अगर पेशेंट को इरेक्शन हुआ और उस टाइम पर अगर वर्टिगो हो रहा है तो देन द रूब्रिक इज इरेक्शन ड्यूरिंग एंड ओनली मेडिसिन गिवन इज टैरेंटुला. एंड नेक्स्ट इज वर्टिगो इरप्टेशंस ड्यूरिंग. ओके, बर्बिंग जब भी होती है, बल्जिंग होती है, इरप्टेशन जब भी पेशेंट को होते हैं, तो इरप्टेशन ड्यूरिंग, इरप्टेशन आफ्टर दोनों भी चीज़ है. इरप्टेशन करते टाइम वर्टिगो अगर हो रहा है तो, या इरप्टेशन के बाद वर्टिगो हो रहा है तो, ड्यूरिंग एंड आफ्टर बोथ आर गिवन. ओके, नेक्स्ट इज इरप्शंस प्रिसीडिंग. ओके, प्रिसीड करना यानी कि पहले. ओके, कोई भी इरप्शन होने से पहले अगर चक्कर पेशेंट को आए हैं या सोड़ रहा है, सो देन द रूब्रिक इज वर्टिगो इरप्शंस प्रिसीडिंग. एंड नेक्स्ट इज सब रूब्रिक गिवन इज इरप्शंस सप्रेस्ड. ओके, अब सप्रेस्ड मीन्स पेशेंट इज हैविंग यू नो एपिसोड्स ऑफ वर्टिगो. कुछ दिन से पेशेंट को चक्कर आ रहे हैं और अब आप जब हिस्ट्री लेते हैं, पूछते हैं, तो पता चलता है कि कुछ टाइम पहले उसको कोई स्किन डिजीज हुई थी, किसी तरह के इरप्शंस आए थे और उसकी ट्रीटमेंट हो चुकी है और ट्रीटमेंट के बाद वो स्किन इरप्शंस बिल्कुल ठीक हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद से पेशेंट वर्टिगो की कंप्लेन कर रहा है, पेशेंट को चक्कर आ रहे हैं. अगर ये हिस्ट्री आपको मिल रही है सो देन यू कैन टेक द रूब्रिक वर्टिगो इरप्शंस सप्रेस्ड. ओके, यानी कि इरप्शन सप्रेस्ड होने के बाद चक्कर आना शुरू हुए तो इरप्शन सप्रेस्ड इज द रूब्रिक. ओके,
और अगर कोई स्किन कंडीशन के लिए पेशेंट आया है और पेशेंट को हमने पूछा कि ये शुरू कैसे हुआ, और अगर पेशेंट बताता है कि इससे पहले मुझे बहुत चक्कर आते थे और उसके बाद से ये इरप्शन स्टार्ट हुए हैं, तो देन यू कैन टेक द रूब्रिक वर्टिगो इरप्शंस प्रिसीडिंग, दिस कैन बी टेकन एज अ रूब्रिक इन दैट सिचुएशन एज वेल। ओके, नेक्स्ट इज वर्टिगो एक्सरसाइजिंग ऑन। जब भी एक्सरसाइज करते हैं तो चक्कर आ रहे हैं, और चक्कर आ रहे हैं और एक्सरसाइज कर लो तो ठीक हो जा रहा है, यानी कि एक्सरसाइजिंग अमेलोरेट, सिंगल मेडिसिन गिवन इज फॉस्फरस। ओके, और एक्सरसाइजिंग द आर्म्स ओनली, सिर्फ आर्म्स की जब भी एक्सरसाइज करो तब चक्कर आ रहे हैं तो दिस इज द रूब्रिक। और अगर खुली हवा में जाके एक्सरसाइज करो इन ओपन एयर, तब चक्कर अगर आ रहे हैं तो वर्टिगो एक्सरसाइजिंग इन ओपन एयर। ओके, सो यू कैन इमेजिन कितने मतलब रूब्रिक किस तरह से लिया, इतनी मतलब डिटेल प्रूविंग हुई थी कि एक एक माइन्यूट माइन्यूट चीज़ों का ध्यान रखा गया है। ओके, नेक्स्ट इज वर्टिगो एक्सर्शन ऑन। ओके, एक्सर्शन किसी भी तरह का स्पेसिफाई नहीं किया गया है, फिजिकल मेंटल एनी सॉर्ट ऑफ एक्सर्शन, मोस्टली फिजिकल ही होता है जब उसके बाद पेशेंट को अगर चक्कर आ रहे हैं तो एक्सर्शन ऑन। अब नेक्स्ट रूब्रिक इंटरेस्टिंग नीचे दिया हुआ है कि वर्टिगो एक्सर्शन विजन। ओके, एक्सर्शन ऑन विजन, विजन मैंने रोशनी आंखों का, जब भी किसी भी तरह से एक्सर्शन हो जाता है, यानी कि जब आंखों का हम ज़्यादा ओवर यूज हो जाते हैं, आंखें थक जाती है, फॉर एग्जांपल अगर बहुत ज़्यादा किसी ने टीवी देख ली, या फिर बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर ली, या बहुत डीम लाइट में अगर कोई ने पढ़ाई कर ली, कोई ने बहुत ज़्यादा आज इन दिनों में फ़ोन अगर बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है, तो इन सारे कंडीशंस में जहाँ पर बहुत ज़्यादा आपका आँखों का यूज़ हो रहा है, ठीक है, व्हेन योर आईज फील टायर्ड एंड आफ्टर दैट यू स्टार्ट फीलिंग वर्टिगो, तो दैट टाइम द रूब्रिक विल बी वर्टिगो एक्सर्शन ऑन विजन। ये पेशेंट जब भी बोलते हैं ना कभी पढ़ रहा हूँ कुछ, जब भी आँखों को कहीं कंटिन्यूसली यूज़ कर रहे हैं उसके बाद चक्कर आते हैं, तो देन विजन ऑन, एक्सर्शन ऑन विजन इज द रूब्रिक। ओके, नाइट्रोम्यूर फॉस्फरस आर द इम्पॉर्टेंट मेडिसिन गिवन। ओके, नेक्स्ट इज वर्टिगो फॉलिंग सेंसेशन ऑफ फ्रॉम अ हाइट। जब भी चक्कर आते हैं तो ऐसा लगता है कि ऊपर बहुत ऊंचाई से गिर जाएंगे, इस तरह का सेंसेशन पेशेंट को होता है। ओके, देन वर्टिगो फॉल टेंडेंसी टू, मतलब चक्कर सिर्फ नहीं आते, चक्कर के साथ पेशेंट गिर जाता है हमेशा। ओके, जब ऐसा अगर बोलेगा तो फॉल टेंडेंसी टू, अब फॉल टेंडेंसी टू आगे उसके रूब्रिक्स दिए हुए, सब रूब्रिक्स दिए हुए, जब मॉर्निंग में पेशेंट बिस्तर से उठेगा तब अगर गिर रहा है तो द रूब्रिक इज फॉल टेंडेंसी टू मॉर्निंग ऑन वेकिंग। ओके, देन अगर अंधेरे में अगर पेशेंट जाएगा और वहां उसको चक्कर आते हैं और वो गिर जा रहा है, तो द रूब्रिक इज वर्टिगो फॉल टेंडेंसी टू डार्क इन द। ओके, सिंगल मेडिसिन गिवन इज स्ट्रैमोनियम।